अवसर पर हम सभी को अपना संबोधन दें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिल्ली के लोगों ने कोशिश की और पूरी दुनिया को करके दिखा दिया। मुझे याद है जब पहला ऑड इवन हुआ था, उस वक्त जब ये निर्णय लिया गया कि ऑड इवन करना है, एक महीने तक दिल्ली के लोगों से हमने बातचीत की और उनको समझाने की कोशिश की। और जब दिल्ली के लोगों को हम समझाया करते थे, एक ही बात कहता था मैं बार बार, मेरे टीवी के ऐड जितने थे, रेडियो के ऐड जितने थे, उसमें एक ही बात कहते थे कि अगर अपने को दिल्ली को प्रदूषण से बचाना है तो सारी दिल्ली को एक साथ आना पड़ेगा, सबको थोड़ी थोड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। और उसमें मैं ये कहता था कि एक बारी कोशिश करके देखते हैं। 1 जनवरी से होना था, मैं हर जगह यही कहता था कि एक बारी कोशिश करके देखते हैं, अगर ज्यादा तकलीफ हुई तो 2-3 दिन में वापस ले लेंगे, लेकिन एक बारी कोशिश करके देखते हैं, अगर सफल हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और 1 जनवरी को पिछली बार जब ऑड इवन शुरू हुआ था तो पूरी दिल्ली ने कोशिश की, और जैसा भी मैडम कह रही थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, दिल्ली वाले जीत गए। और सारी दिल्ली के लोगों ने जो करिश्मा करके दिखाया, पूरी दुनिया के अंदर इसके चर्चे होने लगे। तो सबसे पहले तो आज सेकंड ऑड इवन फेज 2 जो भी बहुत ही बेहद सफल रहा, उसके लिए मैं सारी दिल्ली के लोगों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने पूरी दुनिया को करके दिखा दिया कि अगर जनता एक बारी ठान ले तो कठिन से कठिन काम करके दिखा सकती है। तो एक बार जोरदार तालियां पूरी दिल्ली के लिए एक बारी हम लोग बजाते हैं। यहां मौजूद सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, जब सेकंड ऑड इवन हम लोग प्लान कर रहे थे तो हम आपस में यही सोचा करते थे कि इस बार करेंगे कैसे, इतनी धूप, इतनी गर्मी। पूरी दिल्ली में अभी भी ऑड इवन के दौरान जब मैं घूमा करता था, हर चौराहे पर मैं देखता था कि कितने उत्साह के साथ हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इतनी गर्मी के अंदर मौजूद हैं। आप सब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को मेरा सलाम, एक बार जोरदार तालियां सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए। दिल्ली पुलिस ने, खासतौर से ट्रैफिक पुलिस ने, उनके बिना हमारा ऑड इवन बिल्कुल सफल नहीं हो सकता था। उन्होंने भी मुस्तैदी से काम किया। वैसे तो जैसा हम लोग जानते हैं, 20-25 लाख व्हीकल्स लोग रोज सड़कों पे उतरते हैं, उसमें से मुश्किल से 200 300 400 वायलेशंस मिलते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ जहां कोई वायलेशन मिलता था उसको उन्होंने पकड़ा और उनका चलान किया। और उन्होंने भी इतनी धूप के अंदर हम लोगों का साथ दिया इस पूरे मुहिम के अंदर, एक जोरदार तालियां दिल्ली पुलिस के हमारे साथियों के लिए। डीटीसी के सभी बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और सभी अफसरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी, उन्होंने भी खूब मेहनत की, एक्स्ट्रा बसें चलाई। रोज जितनी बसें पहले चलाया करते थे उससे ज्यादा उन्होंने बसें रोज चलाई। उनके लिए भी डीटीसी के साथियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। दिल्ली के ऑटो वालों ने, टैक्सी वालों ने इस दौरान बहुत साथ दिया। मेट्रो के ऑफिसर्स ने, मेट्रो के पूरे स्टाफ ने, मुझे बताया गया कि मेट्रो के अंदर भी छुट्टियां कैंसिल की गई और उन्होंने भी जितनी नॉर्मल सवारियां, जितनी नॉर्मल ट्रिप वो करते थे उससे ज्यादा ट्रिप उन्होंने की। तो ऑटो वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए, मेट्रो के अपने साथियों के लिए, सबके लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स,
जितने नए ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स भर्ती किए गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और भी दिल्ली सरकार के जितने ऑफिसर्स और अन्य जितने लोगों ने इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। इस पूरा ऑड इवन का सबसे बड़ा मैसेज जो पूरी दुनिया के अंदर गया है कि पूरी दिल्ली के लोगों ने जिस तरह से इसमें साथ दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। जो कंप्लायंस हुआ, जैसा मैंने कहा 20 से 25 लाख रोड सड़कों के ऊपर व्हीकल्स, फोर व्हीलर्स उतरते हैं, गाड़ियां उतरती हैं, उसमें से 300, 400, 500 मुश्किल से गाड़ियां वायलेशन कर रही थी, मुश्किल से 500, 700 के चलान हो रहे थे और पूरी दिल्ली नजर रख रही थी, सब लोग सड़क पे नजर रखते थे। मेरे पास एसएमएस आते थे कईयों के, जी आज मैं यहां से यहां गया, मैंने गाड़ियां काउंट करी, इतनी गाड़ियां मेरे को वायलेट करती हुई मिली, उसमें से इतनी सीएनजी की थी, इतनी महिलाओं की थी और इतनी केवल मिली महिला, पूरी दिल्ली उसके ऊपर नजर रखे हुए थी, सारी मीडिया उसके ऊपर नजर रखे हुए था। तो ये एक बड़ा करिश्मा है, लोग 2000 रुपए से नहीं डरते, दिल्ली वालों के लिए 2000 रुपए कुछ भी नहीं है, 2000 रुपए का चलान कटा के वो पूरा दिन बड़े आराम से घूम सकते थे, लेकिन ये नहीं किया दिल्ली के लोगों ने। कई लोग कहते हैं दिल्ली के लोग तो कानून मानते ही नहीं है, पहले कुछ लोग कहा करते थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर सरकार लोगों को साथ लेके चले तो दिल्ली के लोग भी कानून मानते हैं और अमरीके वालों से ज्यादा कानून मानते हैं दिल्ली के लोग, अगर सरकार उनको साथ लेके चले। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस बार ऑड इवन को फेल करने का पूरी जान लगा दी विपक्षियों ने, और उनके साथ मीडिया वाले कुछ मिल गए। उनको यह डर था, पिछली बार के ऑड इवन के बाद पूरी दुनिया में चर्चा हो गई आम आदमी पार्टी की सरकार की, पूरी दुनिया के अंदर फॉर्च्यून एक मैगजीन है, उस मैगजीन के अंदर चर्चे हो गए। तो उनको लगा यार मैं तो 2 साल से पूरे दुनिया में घूम रहा हूं, मेरा तो नाम नहीं हो रहा, ये आम आदमी पार्टी वाले तो एक जगह भी नहीं गए और फिर भी पूरी दुनिया के अंदर चर्चे इनके हो रहे हैं, तो इस बार किसी भी तरह से फेल करना है इसको, ऑड इवन को। तो वो लग गए पहले दिन से ही ऑड इवन को फेल करने के लिए, पहले तो ऑटो वालों की स्ट्राइक कराने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली के सारे ऑटो वाले आम आदमी पार्टी के सरकार के साथ हैं, इनकी बात नहीं मानने वाले, ऑटो वालों ने सर स्ट्राइक करने से मना कर दिया, इनकी पहली फेल हो गई, पहली कोशिश। फिर इन्होंने कोशिश करी, इनके नेता ने, बड़े सांसद हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा सोमवार के दिन मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करूंगा, मैं ऑड इवन को वायलेट करूंगा, ऑड इवन का वायलेशन करूंगा, और मैं दिल्ली की जनता को कहता हूं मेरे साथ आओ। एक आदमी नहीं आया उनके साथ, उनकी पार्टी वाले भी नहीं आए, वो अकेले घर से निकले, पहले से अनाउंस कर रखा था, पुलिस को भी बता रखा था, पुलिस वाले बाहर खड़े थे, भाई 4 कदम नेताजी जाएंगे तो उनको पकड़ लेंगे, उनका चालान काट देंगे, तो वो पुलिस वाली सारे कैमरे वैमरे वाले सबको बुला रखा था इनको, वो सारे वहां मौजूद थे। तो नेताजी घर के बाहर निकले, अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करने लगे, 4 कदम आगे पहुंचे तो पुलिस को तो कह रखा था भाई पूछना, भाई आज तो फलाना दिन है आप ये, वो पुलिस वाले बेचारे आदत थी, उन्होंने पूछ लिया सर लाइसेंस, वो लाइसेंस तो था नहीं नेताजी के पास, तो वो तो ऑड इवन का वायलेशन करने आए थे, फंस गए वहां नेताजी, तो लाइसेंस नहीं था, बोले नेताजी लाइसेंस नहीं है, तो पुलिस वाला बोले जी इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस भी नहीं था नेताजी के पास, तो ना लाइसेंस था ना इंश्योरेंस था, वो करने तो चले थे ऑड इवन का वायलेशन, पकड़ी गई उनकी चोरी की, रोज ही गाड़ी बिना लाइसेंस के चलाते हैं, तो उनका 2000 का चलान होना था, 3500 का उनका चलान हो गया। फिर इन्होंने कोशिश करी बलसवा में और गाजीपुर में आग लगवा दी इन्होंने लैंडफिल के ऊपर की, इनकी सारी कोशिशें भाई साहब नाकाम हो गई। सच सच होता है, सच झूठ नहीं होता, सच को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे मीडिया वालों ने जितनी कोशिश कर ली, या विपक्षी दलों ने जितनी कोशिश कर ली। मैं खूब घूमा इन दिनों में जनता के बीच में, जहां मैं गया जनता खूब तारीफ कर रही थी भाई साहब ऑड इवन की, जनता कह रही थी जी बहुत सहूलियत हो गई है, सड़कें खाली हैं और बहुत मजा आ रहा है। जैसा अभी गोपाल भाई ने बताया 7 ऐसे पॉइंट थे जहां पे थोड़ा सा ट्रैफिक जैम था,
और उसके अलग अलग कारण थे, उसके ऊपर काम किया गया, लेकिन मोटे मोटे तौर पे पूरी दिल्ली के अंदर ट्रैफिक बहुत कम हुआ और जनता ने इसकी खूब तारीफ करी। एक और बात हुई, इस बार कुछ टैक्सी ये एग्रीगेटर टैक्सी एग्रीगेटर्स ने इस बार बदमाशी करने की कोशिश की। उन्होंने जनता की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करी। ऑड इवन है, जनता को टैक्सी की ज्यादा जरूरत है, उन्होंने 6-6 गुना कर दिए अपने किराए, 7-7 गुने कर दिए अपने किराए। और उनमें से एक टैक्सी एग्रीगेटर को मैंने बुलाया, हमने उनसे पूछा, कहता है जी हम तो 400 शहरों में पूरी दुनिया में हम ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा दिल्ली में रहना है तो ऐसे नहीं करना होगा, दिल्ली में कानून के हिसाब से चलना होगा, रहना है तो रहो नहीं तो दिल्ली छोड़ के चले जाओ। ये दादागिरी तुम्हारी 400 शहरों में चलती होगी, दिल्ली में नहीं चलेगी तुम्हारी दादागिरी, या तो हमारा कानून चलेगा, सरकार का कानून चलेगा। पहली बार ऐसा हुआ, ये सर्ज प्राइसिंग उनको कम करनी पड़ी, नॉर्मल प्राइसिंग के ऊपर उनको आना पड़ा। किसी पहले किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई, अगले दिन उनकी 150 गाड़ियां पकड़ के अंदर कर दी, ठीक हो गए वो, उनको अपनी सर्ज प्राइसिंग वापस ठीक करनी पड़ी। आने वाले समय में अब अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट खूब बढ़ाना है, जिसके ऊपर सरकार लगी हुई है, क्योंकि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ेगा, ये ऑड इवन तो एक तरह से सिस्टम के ऊपर चेपी है, ऑड इवन से बहुत ज्यादा लंबे समय तक सुधार नहीं हो सकता। अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारना है। आने वाले समय में सरकार बसें भी खरीद रही है, बस एग्रीगेटर पॉलिसी अभी ऐलान करी है, जिसमें हमें उम्मीद है कि बहुत सारी बसें प्राइवेट सेक्टर से सड़क पर उतरेंगी, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा। अभी बहुत जल्दी टैक्सी एग्रीगेटर पॉलिसी भी आने वाली है, जिससे कि टैक्सियां भी और सड़कों के ऊपर उतरेंगी। मुझे उम्मीद है आने वाले एक साल के अंदर दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मजबूत होगा, और उसके बाद अगर हम ऑड इवन करेंगे तो जनता को तकलीफें भी कम होंगी। जैसा मैंने बताया, कंजेशन तो कम हुआ, कुछ लोग कहते हैं जी पोल्यूशन कम नहीं हुआ। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये देश की सबसे बड़ी संस्था है जी, एनवायरनमेंट के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर सबसे बड़ी संस्था है, सारे मानते हैं ईमानदार संस्था है, सारे मानते हैं इनकी कैपेबिलिटी के ऊपर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट वो कह रही है कि पोल्यूशन कम हुआ था, और मोटी मोटी चीज है। कुछ ही अखबार वाले लिख रहे थे ऑड इवन के दौरान 23% पोल्यूशन बढ़ गया, पेट्रोल की खपत तो 30% कम हो गई, पोल्यूशन 23% बढ़ गया। मतलब उनके हिसाब से पेट्रोल की खपत ज्यादा करो तो पोल्यूशन कम होएगा, इनके लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता। तो वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कहा कि पोल्यूशन कम हुआ था, लेकिन पोल्यूशन कई वजह से होता है। हरियाणा से हवा चलती है, उधर से हवा चलती है, उधर से हवा चलती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर सीधी सी गणित है कि अगर आप पेट्रोल कम इस्तेमाल करोगे, डीजल कम इस्तेमाल करोगे तो पोल्यूशन तो कम होएगा ही होएगा, ये तो मोटी मोटी गणित है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा लोगों को ट्रैफिक कंजेशन में नज़र आता है कि ट्रैफिक कम हो जाता है, जहाँ पहले एक घंटे में पहुँचा करते थे 30 मिनट में पहुँचना चालू कर देते हैं, टेंशन कम रहती है, सड़कों पर झगड़े कम होते हैं। तो फिर से दिल्ली की जनता को और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, और एक बार जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।